नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में अगले महीने आएगी बम्पर बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कई विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियों को लेकर अप्रैल में विज्ञापन जारी करने के साथ साथ परीक्षाएं भी आयोजित करेगा। इसमें श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में ITI इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी शामिल है। वहीं आयोग की डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगा, जबकि जुलाई के पहले सप्ताह में परिणाम जारी होंगे। इसी तरह सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह में होगी, जबकि जून के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी किए जाएंगे। आयोग ने शुक्रवार को इसे केंद्र में रखकर संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसमें परीक्षा और परिणाम की संभावित तिथियां समाहित की गई है। साथ ही आने वाली रिक्तियों के संबंधित परीक्षाओं और परिणाम जारी होने की संभावित तिथियां भी घोषित की है। झारखंड का मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र के मुताबिक 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना भी नहीं है। 10 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि मौसम फिलहाल साफ रहेगा। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा, उसके आसपास 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की भी संभावना नहीं है। झारखंड के सभी जिलों में 7 मार्च से खुलेंगे 1 से 8 तक की कक्षा। राज्य के उन 7 जिलों में भी 7 मार्च से कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें पूर्व में कक्षा 9 से 12 के लिए ही स्कूलों को खोलने की अनुमति मिली थी। इसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा तथा बोकारो जिला शामिल हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी किया। साथ ही स्कूलों को खोलने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने 26 फरवरी को हुई बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की थी। तेलंगाना के CM हेमंत सोरेन से मिलकर 2024 की रणनीति पर की चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाकर देश का नेता बनने का सपना पाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव शुक्रवार को अपनी पुत्री MLC कविता राव के साथ पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन का भी आशीर्वाद लिया। पूरे तामझाम के साथ आए राव के स्वागत में राजधानी में देश का नेता KCR के बैनर लगाए गए थे। हालांकि जब वे मीडिया से मुखातिब हुए तो संयमित शब्दों में जहाँ भाजपा व केंद्र सरकार का निशाना साधा, वहीं यह भी कहा कि फिलहाल कोई फ्रंट नहीं है, इसका क्या रूपरेखा होगा यह भी तय नहीं है। CBSE ने 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए जारी किया दिशा निर्देश। CBSE 12th एग्जाम की बची हुई टर्म परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। 26 अप्रैल को टर्म 2 की परीक्षा होगी। इसके लिए CBSE ने 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश संबंधित स्कूलों को भेजा है। CBSE द्वारा ऑपरेशनल कोड स्कूलों को भेजा जाएगा। अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उपस्थित होने वाले छात्र सुबह 10:45 तक परीक्षा हॉल में प्रवेश करें। परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने वाले छात्रों की अच्छी तरह से तलाशी ली जाएगी। गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति नहीं हुई तो चलेगा अवमानना का केस हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करने का अंतिम मौका दिया है। 2 सप्ताह के अंदर नियुक्ति नहीं की गई तो कार्मिक और शिक्षा सचिव पर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को कविता कुमारी एवं अनेक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कार्मिक सचिव और शिक्षा सचिव ऑनलाइन हाजिर हुए। अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालत ने गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति करने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नियुक्ति करने की छूट दी है। झारखंड कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी पार्टी नेता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक शुक्रवार को वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी को अनुशासित बनाए रखने का मूल मंत्र दिया। साथ ही पार्टी को राज्य में मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही पिछले दिनों गिरिडीह में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के सफल आयोजन पर पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त किया। मालूम हो कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेटर कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक हर महीने के प्रथम सप्ताह 5 तारीख से पूर्व होना निर्धारित किया गया है।
15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गांजू के घर पहुंची पुलिस। भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गांजू के घर गुमला जिला के घाघरा थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने इनामी नक्सली रविंद्र गांजू के घर इश्तेहार चिपकाया है, जिसमें पुलिस ने रविंद्र से सरेंडर करने के लिए कहा है। सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की जब्ती करने की जानकारी दी गई। हालांकि जिस समय पुलिस ने इनामी नक्सली रविंद्र गांजू के घर के दरवाजे पर इश्तेहार चिपकाया गया, उस समय घर पर कोई नहीं था और घर का दरवाजा बंद था। खूंटी में नक्सली संगठन PLFI के 15 सदस्य गिरफ्तार। खूंटी जिला अंतर्गत होरमू और अड़की थाना क्षेत्र से 2 अलग-अलग मामलों में नक्सली संगठन PLFI के 5 नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने काफी मात्रा में हथियार बरामद किया। इसकी जानकारी खूंटी SP आशुतोष शेखर ने पत्रकारों को दी। पहला मामला अड़की थाना क्षेत्र का है। इस थाना क्षेत्र के चैपी में गत 13 फरवरी 2022 को एक युवती का शव बरामद हुआ था। उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। झारखंड में कोरोना के 28 नए केस मिले हैं, जबकि 67 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 324 है। भारत में 5316 नए केस मिले हैं, जबकि 10431 मरीज स्वस्थ भी हुए। भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 61608 है। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में जमकर हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन की पहली पाली हंगामे की भेंट चढ़ गई। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मांग को लेकर हंगामे पर उतारू भाजपा के विधायकों ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक आसन के समक्ष पहुँच गए और अपनी मांगों के समर्थन और सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इसके कारण विधानसभा अध्यक्ष को 45 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही को रोकना पड़ा। सदन में गुजा कुपोषण सखियों के वेतन का मुद्दा। विधानसभा में कुपोषण के मसले पर और राज्य में पोषण सखियों को हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ विधायक एकजुट दिखे। सबने सरकार से मांग की कि राज्य में कुपोषण की लड़ाई बड़ी है, इससे निपटने के लिए पोषण सखियों को नहीं हटाया जाना चाहिए। सरकार की ओर से मंत्री जोभा मांझी ने सदन को आश्वस्त किया है कि यह नीतिगत निर्णय है, जिस पर वे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कोई ठोस रास्ता निकालेंगी। पलमा गुमला पथ परियोजना में बाकी की मुआवजे की राशि के भुगतान के आदेश। पलमा गुमला पथ परियोजना गुमला बाईपास छत्तीसगढ़ बॉर्डर से गुमला बाईपास पथ NH 43 से संबंधित बैठक ITDA भवन में उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पाया गया कि शंख नदी पर पहुंच पथ निर्माण में 14 लाभुकों के बीच मुआवजा राशि का भुगतान बाकी है। इस पर उपायुक्त ने सभी लाभुकों का शनिवार तक मामलों का निष्पादन करते हुए भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। फर्जी DSP और इंस्पेक्टर बनकर NH पर करते थे वसूली। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से फर्जी DSP और इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी NH 33 पर ढाबा संचालकों और वहां रुकने वाले ट्रकों को अपना निशाना बनाते थे और उनसे अवैध वसूली करते थे। फर्जी पुलिस पदाधिकारी बनकर अवैध पुलिस का ये खेल रांची टाटा रोड पर चल रहा था। रांची टाटा मार्ग पर ढाबा कर्मियों को DSP और इंस्पेक्टर बनकर धौस जमाते हुए उनसे वसूली करना और उनके साथ ही ढाबा में आने वाले ट्रकों से अवैध वसूली का धंधा इनके द्वारा किया जा रहा था। 64 लाख परिवारों को मिलेगा 1 रुपये किलो दाल। चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में खाद्य आपूर्ति विभाग के आगामी वर्ष 2022-23 के बजट में लगभग 21% की वृद्धि की गई है। अगले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुक परिवार को 1 रुपये की दर से प्रतिमाह 1 किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राज्य के 64 लाख कार्डधारी लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 योजनाएँ संचालित हैं। पात्र गृहस्थ योजना के तहत लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। धन्यवाद।